मेरी मालिका, शादी की तैयारियों का आगाज कर देना चाहिए हमें आज से। ऐसा क्या हो गया? वादा किया था ना तुमसे, सुल्तान नूरुद्दीन और दौलत के दरमियान जंग की आग भड़का चुका हूं मैं। कैसे? दौलत के लिए गजा की हाकमियत की रिश्वत काम कर गई और वो मान गया। ये कैसा भयानक मजाक कर रहे हो? मैं गजा को बचाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ, और तुम उसे सलजूकों के हवाले कर रहे हो और ऐसे बता रहे हो जैसे अजीम काम किया हो। जब मैं कुदुस का तख्त संभालूंगा, अच्छी तरह सिखा दूंगा तुम्हें कि सियासत किसे कहते हैं। दौलत अगर गजा का हाकिम होगा तो जंगी कोशिश ना करेंगे वहां हमला करने की, और वक्त आएगा तो दौलत से दोस्ती खत्म। सुल्तान नूरुद्दीन के और सलाहुद्दीन के दिल से गजा का ख्याल नहीं निकलेगा कभी। फिक्र की जरूरत नहीं, वो हमसे मुकाबला करने की सोच रहे हैं लेकिन सलजूकों से कभी नहीं लड़ सकते। अब वो गजा की तरफ रुख नहीं कर सकते। मलिक दौलत गजा का हाकिम कैसे बन सकता है? दुश्मनी के भी कुछ आदाब होते हैं, लेकिन यह तो वैशीपन है। साफ जाहिर है बर्नार्ड की चाल में आ गए हैं। वो अपने बेटे इल्तुतमिश और सिपाहियों को गजा की हिफाजत पर लगा देगा, और अगर हमने हमला किया तो वो सलजूकों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। उनके गुस्से की वजह मेरा कारा तेगिन को बचाना है। कारा तेगिन को तुमने सही बचाया सलाहुद्दीन, और हम भी अब वही करेंगे जो सही है। गजा पर हमला करेंगे। गजा के मजलूम हमारी इमदाद के मुंतजर हैं, इसलिए अब हमें गजा फतह करने का कोई तरीका सोचना होगा। एक है मेरे सुल्तान, इससे पहले कि दौलत और उसके सिपाही आए हमें हरकत में आना होगा। गजा पर तेजी से हमला करके फतह करना होगा। और इसका कोई मंसूबा? बर्नार्ड समझता है कि हम गजा का रुख कभी नहीं करेंगे, और मैं सरहद गाजी के साथ आज रात गजा में घुसूंगा, और आप अपनी फौज के साथ रात की तारीकी में हमला करेंगे। सुबह का सूरज हमारी फतह का परचम देखेगा। तो फिर समझ लो कि फौज तैयार है सलाहुद्दीन, पूरी तैयारी से जाना। आज रात गजा फतह कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। धोखेबाज दुश्मन और कुफार से आज रात निमट लिया जाएगा।